Dear student, today we will discuss the chapter Internal Control, Internal Audit or Internal Check System. तीन टर्म है आपके पास, एक है इंटरनल कंट्रोल, दूसरा है इंटरनल चेक सिस्टम और तीसरा है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है. इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब कि बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट हो, सभी के कंट्रोल की जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ही इंटरनल चेक आता है, इसी का पार्ट है. इंटरनल ऑडिट भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है. इंटरनल कंट्रोल में तीन टाइप के चेक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मतलब ऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर, जिसमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फिक्स किया जाता है कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में आते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग कंट्रोल में स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल है, बजट कंट्रोल है, अकाउंट कंट्रोल है, ये सारे अकाउंटिंग कंट्रोल में आते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आएगा. जबकि इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इसी में पार्ट आता है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कंपनी का, वैसे तो ऑडिटर क्या होता है, एक बाहर से आदमी आता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं. इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि इंटरनल एम्प्लॉय की ड्यूटी लगी होती है कि वो पहले अपने बिहाफ पे क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बाहर वाला ऑडिटर करता है, ऑडिट करता है, वैसे ही वो ऑडिट करता है उसको इंटर. और लेकिन वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो क्या होता है, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉई होता है. तीसरी टर्म आपके पास है इंटरनल चेक सिस्टम, जो कि एक अकाउंटिंग कंट्रोल हम इसको मानते हैं, कि अकाउंटिंग कंट्रोल में जो चेक सिस्टम लगाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग में नोट की जाती है, उनको डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में उनकी एबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक आदमी का काम जो है दूसरे आदमी अपने आप चेक कर देता है. यानी कि एक टोटल अगर काम है तो उसको डिफरेंट लोगों में बांटा जाता है कि किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक अकाउंटिंग के काम को एक ही आदमी को करने के ना देने के बजाय उस काम को, अकाउंटिंग के काम के डिफरेंट स्टेप्स को डिफरेंट लोगों में, अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है. इससे क्या होता है कि सभी ट्रांजेक्शन जो है वो एक आदमी जब चेक करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जर्नल एंट्री करेगा, दूसरा आदमी उसकी पोस्टिंग करेगा, तीसरा आदमी उसकी लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएगा, तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम हर आदमी को अलग अलग दे दिया जाता है. एक पर्टिकुलर आदमी को काम शुरू से ले आखिर तक पूरा करने के लिए नहीं दिया जाता. यानी कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाई नो पर्सन इज अलाउड टू कैरी थ्रू एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सो दैट विदाउट कोल्यूजन बिटवीन टू और मोर पर्सन फ्रॉड इज प्रिवेंटेड एंड एट द सेम टाइम द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड आर रिड्यूस टू मिनिमम. यानी कहने का मतलब इंटरनल चेक सिस्टम क्या है कि जो अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज हैं इस तरह से लगाना कि एक आदमी एक पर्टिकुलर काम को शुरू से लेकर आखिर तक अकेला पूरा ना करे, बल्कि उसको डिफरेंट पीपल में बांट दिया जाए, ताकि दो या दो से लोगों के बीच में बिना कोलिजन, बिना मिली भगत के काम पूरा हो. और इस काम से, ऐसे करने से क्या होगा, फ्रॉड इज प्रिवेंटेड एट द सेम टाइम द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड, फ्रॉड कम हो जाएंगे और गलतियां होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी. इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इंटरनल चेक सिस्टम बोलेंगे. फीचर ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट पार्ट ऑफ कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पहले मैंने बताया कि ये कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल जिसकी टर्म ने हमने बात की, एक बड़ी टर्म है, ये इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक पार्ट माना जाता है इसको. नेक्स्ट है टेक्निक इज रिलेटेड डिवीजन ऑफ वर्क. यानी इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क की टेक्निक है, जिसमें काम लोगों में आपस में इस तरह से बांटा जाता है कि एक आदमी का काम दूसरा आदमी अपने. नो सिंगल एम्प्लॉय रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग, कि इस तरह से काम बांटा जाता है कि एक आदमी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन शुरू से ले आखिर तक पूरा अकेला नहीं करता, बल्कि डिफरेंट लोग मिलकर करते हैं. वर्क डन बाय एवरी एम्प्लॉय एग्जामिन बाय इंडिपेंडेंटली बाय अनदर, दूसरा एक आदमी का काम दूसरा आदमी इंडिपेंडेंटली क्या कर देता है, एग्जामिन कर देता है.
वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वर्क डन बाय अनदर, एक आदमी का काम दूसरे आदमी के काम का कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि एक आदमी जब तक अपना काम पूरा नहीं करेगा दूसरा आदमी अपना काम शुरू नहीं करेगा। द एम इज दिस टेक्निक इज टू डेवलप ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड रिस्क। क्या एम क्या है कि एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम कंप्लीट क्रिएट कर देना जो कि ऑटोमेटिकली एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट कर देगा। दिस इज वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज मैकेनाइज्ड, इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम क्या मैकेनाइजेशन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंटरनल चेक सिस्टम के, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, कि जो एरर एंड फ्रॉड है उनको होने से पहले ही प्रिवेंट करना कि हो ही ना। इसलिए काम को डिफरेंट लोगों में इस तरह से बांट दिया जाता है कि हर आदमी को का काम दूसरा आदमी ऑटोमेटिकली चेक कर देता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि काम को इस तरह से डिफरेंट लोगों में बांट देना कि काम की प्रत्येक स्टेप को एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा करने के लिए, अगर उस स्टेप पे कोई गड़बड़ है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। टू प्रिवेंट द कमीशन इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कई बार क्या होता है जब एक पर्टिकुलर आदमी काम करता है सारा ही काम शुरू से एंड तक, तो वो क्या करता है कुछ ट्रांजेक्शन को नोट करना भूल जाता है। लेकिन अगर उस काम को डिफरेंट पीपल में बांट दिया तो एक आदमी ने अगर कोई जर्नल एंट्री करने से गलती कर दी तो दूसरा कहेगा इस ट्रांजेक्शन की आपने एंट्री नहीं की, वो उसको याद करवा देगा, उसको बता देगा, या किसी में फिगर गलत डाल दी तो वो उसको पकड़ लेगा, टोटल गलत कर दिया तो उसको पकड़ लेगा, कोई गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, से क्या होता है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज में इंक्रीज हो, क्योंकि काम को जो है डिफरेंट पार्ट्स में उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, तो जब आदमी उस काम को बार बार करता है तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक सिस्टम होने से गलतियाँ कम होती है इसलिए फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार हो जाते हैं, एरर ढूंढने में टाइम खराब नहीं होता। ईज द ऑडिट वर्क, ये क्या करता है ऑडिटर के काम को आसान बना देता है, इससे ऑडिटर जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम इंप्लीमेंटेड होता है जो ऑडिटर है फिर कंप्लीट चेकिंग की बजाय टेस्ट चेकिंग पे डिपेंड हो सकता है। फीचर ऑफ एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम, कि एक अच्छे इंटरनल चेक सिस्टम्स में क्या फीचर होने चाहिए। हालांकि हर बिजनेस का अपना नेचर होता है, हर बिजनेस की अपनी ट्रांजेक्शन्स के तरीके होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरनल चेक सिस्टम नहीं बना सकते जो कि हर बिजनेस में काम आ जाए, जबकि हम हर बिजनेस में काम आने वाले इंटरनल चेक सिस्टम के कुछ पर्टिकुलर फीचर बता सकते हैं कि अगर उस फीचर ये फीचर हो तो एक बढ़िया और एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम होगा। क्या कौन कौन से फीचर होंगे, क्लियर डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जब आदमियों डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में काम बांटा जाता है तो उसमें किसको क्या काम करना है वो क्लियर डिवीजन होना चाहिए, उसको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको जवाबदेह है, कब तक उसको काम पूरा करना है, सब तो क्लियर होना चाहिए। सडन चेंज इन ड्यूटीज़, कि आपके इंटरनल चेक सिस्टम में ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि आप एक एम्प्लॉई को एक ही काम हमेशा ना दे के रखें बल्कि उसकी ड्यूटी को चेंज करते रहें। जबकि चेंज इन ड्यूटी का जो पॉलिसी है वो रोटेशन की जो पॉलिसी है अपने जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ वर्क है या सर्कमस्टांसिस ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अगर काम को आप सडनली चेंज कर दोगे तो एक एम्प्लॉई अगर कोई गलती कर रहा है तो दूसरा उसकी जगह आएगा तो वो उसको पकड़ लेगा। अकाउंटिंग फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ वेरियस पर्सन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन की एंट्री एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं करवा के क्या करनी चाहिए, डिफरेंट पर्सन से करवानी चाहिए, डिफरेंट पीपल को उस काम को थोड़ा थोड़ा बांट देना चाहिए। ऑटोमेटिक चेकिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि एक आदमी का काम ऑटोमेटिकली दूसरे आदमी चेक कर ले। पर्सनल सुपरविजन होना चाहिए कि कुछ काम जैसे पेमेंट ऑफ कैश है, रिसिप्ट है, डिस्पेच ऑफ गुड्स है, वैल्यूशन ऑफ स्टॉक्स हैं, इसको पर्सनली सुपरवाइज करना चाहिए टॉप अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं। कैश कंट्रोल ऑल टाइम होना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है उन पर हमेशा एडिक्वेट कैश कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजिंग कैश शुड नॉट हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आदमी कैशियर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री वाली बुक्स को हाथ ना लगाने दें। द सेलर ऑफ गुड पीपल मेकिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड नॉट अथोराइज टू रिसीव कैश, जो बेचता है सेल्समैन है उसको कैश लेने की परमिशन, पैसे लेने वाला कोई और होना चाहिए, बेचने वाला कोई और होना चाहिए। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप जाओगे तो सेलर आपको जो सेल्समैन होता है काउंटर पे वो आपको माल दे देगा, आपको जैसे कपड़े लेने गए तो शोरूम वाले में जो सेलर है उसने क्या कर दिया आपको कपड़े पसंद करवा दिए, फिर पैक करके आपको क्या कहता है मैडम आप काउंटर से ले लेना, और काउंटर से जब लोगे तो क्या करेगा काउंटर वाला आपसे पैसे लेगा, यानी कि बेचने वाले को पैसे लेने की परमिशन नहीं होती। एज फॉर पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक, और जहाँ तक हो सके पेमेंट जो है वो चेक से होनी चाहिए। गुड कंट्रोल परचेज ऑफ गुड्स जो है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स हैं, डिस्पेच ऑफ गुड्स हैं, इन सभी पे टाइट कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉई को कोई भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर विदाउट प्रॉपर अथॉराइजेशन नहीं ले जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए लेके जाने की। अकाउंटिंग कंट्रोल, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम होना चाहिए,
अकाउंट्स और लेबर सेविंग डिवाइसेस जैसे अकाउंटिंग मशीन है, कैश रजिस्टर है, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन है, इनका यूज़ करना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम होना चाहिए कि सभी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम अपने एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जो लेटर रजिस्टर मनी ऑर्डर सबको हैंड ओवर ओवर टू वन पर्सन के पास एक पास के होने चाहिए। जैसे मनी ऑर्डर हैं, चेकबुक हैं, वो एक ही आदमी के पास होने चाहिए। ड्यूली एंट्री के बाद रजिस्टर में उसको चेक को चेकबुक से चेक पाड़ना चाहिए। इसी तरह से मनी ऑर्डर है वो ड्यूली रजिस्टर में एंट्री करने के बाद इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपलसरी लीव। एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी लीव का प्रोविजन होना चाहिए कि कोई आदमी लगातार एक जगह काम कर रहा है तो उसकी फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसे कंपलसरी साल में कुछ दिन के लिए छुट्टी भेज जाए और पीछे से उसका काम किसी दूसरे आदमी को दिया जाए ताकि दूसरा आदमी उसने कुछ कहीं फ्रॉड कर रखा है तो उसको पकड़ ले। कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर से लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहना चाहिए, उनसे बैलेंस पूछते रहना चाहिए और फिर उस बैलेंस को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली करते रहना चाहिए। ये ड्यूटीज़ किसकी होनी चाहिए, टॉप ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स की होनी चाहिए। फिक्स रूल होने चाहिए, सर्टेन ट्रांजेक्शन जैसे बैड डेट्स हैं, अलाउंस रिटर्न है, कमीशन है, रिटर्न ऑफ एसेट्स हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाने चाहिए कि इन रूल को फॉलो करके हो। फाइलिंग सिस्टम, प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए, फाइलों पे नंबर लगे होने चाहिए, फाइलों को प्रॉपर अलमीरा में लगी होनी चाहिए, फाइलों के नंबर हों ताकि जो भी फाइल मांगी जाए वो इजीली ढूंढी जा सके। सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जैसे रिसिप्ट ऑफ बुक हैं उनको संभाल कर, चेक बुक्स को संभालने के लिए, बिल बुक्स को रखाने के लिए प्रॉपर अलमीराज, प्रॉपर सेफ आपके पास होने चाहिए। फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, इंटर चेक सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे इसके चेंज किया जा सके। पीरियडिक रिव्यूज़ होना चाहिए सिस्टम का, टाइम टाइम पे टॉप मैनेजमेंट को उसको रिव्यू करता रहना चाहिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल चेक एंड ऑडिटर। ऑडिटर का क्या काम होता है, इंटरनल चेक सिस्टम इसका क्या रिलेशन है ऑडिटर का। ऑडिटर को अपना काम शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो टेस्ट चेकिंग पे कि वो अपना काम टेस्ट चेकिंग पे करेगा, ओवरऑल चेकिंग पे करेगा या कैसे करेगा, या रूटीन चेकिंग मेथड या इन डेप्थ चेकिंग करेगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इन डेप्थ चेकिंग या रूटीन चेकिंग करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट चेकिंग मेथड अडॉप्ट करो। लेकिन टेस्ट चेकिंग मेथड अडॉप्ट करने से पहले ऑडिटर को इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में कुछ बातें इंश्योर करनी चाहिए। सबसे पहली कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसे लगाया गया है उसकी एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन वो मैनेजमेंट से ले ले कि वो कैसे कैसे क्या आइडिया है उनका इंटरनल चेक सिस्टम का कैसे अडॉप्ट करते हैं। फिर ये चेक कर ले कि जो इंटरनल चेक सिस्टम के रिटर्न में डिस्क्रिप्शन दी है वो उसी तरह से इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, कि वेरियस डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ में काम कैसे बांटा गया है। और ये वो ये भी कंफर्म कर ले कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एरिया वीक पॉइंट्स हैं और ताकि उन वीक पॉइंट्स पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वीकनेस है उनके ऊपर वो जब ऑडिट का काम करेगा तो अपना काम जो है स्ट्रिक्ट फोकस दे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला है मोरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ पे मोरल नैतिक दबाव रहता है, उसको पता है कि अगर आप काम में गलती करोगे या गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट एम्प्लॉई उसको पकड़ लेगा और उसकी बेइज्जती होगी, वो पकड़ा जाएगा और पनिशमेंट भी मिल सकती है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉई को अगर लगेगा कि उसका काम कोई उसका साथी चेक करेगा तो वो उसको उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचेगा तो एरर एंड फ्रॉड होगी नहीं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को काम उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ईज इन ऑडिट वर्क, ऑडिटर का काम आसान हो जाएगा। अगर इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर को ये इंश्योर कर सकता है गलतियाँ कम होगी तो अपना काम जल्दी पूरा कर सकता है, टेस्ट चेकिंग पे बिलीव कर सकता है। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट जल्दी बन जाएंगे, गलतियाँ नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस जल्दी मैच हो जाएगा तो फाइनल अकाउंट्स भी जल्दी मिल जाएंगे। बेनिफिट ऑफ टू एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर का बेनिफिट ये होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, स्मूथली चलेगा अकाउंटिंग वर्क और उसको एरर एंड फ्रॉड जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उनकी टेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट ना साथ में है कि डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनल चेक सिस्टम के, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नेग्लिजेंस बाय ऑडिटर, ऑडिटर जो है आमतौर पर जब इंटरनल चेक सिस्टम आपने अडॉप्ट कर रखा है तो अपने काम को हल्के में ले लेता है, लापरवाही कर सकता है, वो ये बिलीव कर सकता है कि इंटरनल सिस्टम अगर अडॉप्टेड है तो कोई गलती नहीं होगी और तो वो अपना काम करने में ज़्यादा पेन नहीं लेता। नेगलिजेंस बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर भी कई बार क्या होता है जब इंटरनल चेक सिस्टम अडॉप्ट कर देता है तो वो लापरवाह हो जाता है कि मैंने इंटरनल सिस्टम लगा दिया है अब कोई गलती नहीं होगी, गलती लोग एक दूसरे की अपने आप पकड़ लेगी, लेकिन वो खतरनाक हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कई बार ग्रुपिंग कर लेते हैं और वो ग्रुपिंग फिर ग्रुप करके गड़बड़ कर देते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर ड्यू टू टेस्ट, एम्प्लॉय क्या करता है
कि जब उसको काम एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है तो वो उसको क्या करता है, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है कि मुझे तो सिर्फ जैसे जनरल एंट्री करनी है, वो सोचेगा मुझे जनरल एंट्री करनी है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म, तो वो जल्दी जल्दी उसको करेगा, तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रुपिंग जिम अमंग एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉयज़ में ग्रुप बन जाते हैं और एम्प्लॉय ग्रुप बन के क्या करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और फिर ग्रुप बना के अपने अपने एरिया में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।